आपकी बैन करो, बैन करो, बैन करो। मैं इनका बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने बुर्के के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैन करो, बैन करो। कॉलेज कैंपस में अलगाववाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैंपस में नहीं चलेगा अलगाववाद के नारे देते हुए कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। धर्म समाज महाविद्यालय परिसर के अंदर हमने जो अलगाववाद की मानसिकता से प्रेरित होकर मुस्लिम छात्र छात्राएं जो टोपी और बुरके में यहाँ पे आते हैं, उन पर रोक लगाने की मांग को एक ज्ञापन दिया है। क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई मदरसा नहीं है, किसी कोई दरगाह नहीं है, किसी पीर की मजार नहीं है जो यहाँ पे बुरका और आप टोपी लगा के आए। हमने कॉलेज प्रशासन को भी 72 घंटे का समय दिया, या तो 72 घंटे के अंदर कॉलेज प्रशासन इस सब पर रोक लगाए, अन्यथा की स्थिति में हमारे समस्त हिंदू भाई बहन छात्र छात्राएं नियमित हमारी जो धार्मिक पोशाक है, भगवा साफा हो या फिर भगवा कुर्ती हो, जो भी हो, उन्हें पहनकर आने का काम करेंगे। समाज के अंदर या तो एकता का संदेश दिया जाए इस महाविद्यालय से, अन्यथा की स्थिति में हिंदू अपना एकदम धार्मिक भावनाओं में आहूत होकर महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे। इतना ही नहीं, 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बुर्का टोपी को कॉलेज परिसर में बैन कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी में कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भगवा रंग के चोले में नजर आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हिंदू छात्र छात्राएं भी भगवा चोले में नजर आएंगे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा मामला धर्म समाज महाविद्यालय का है, जहां छात्र नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंप दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज का एक निर्धारित ड्रेस कोड है, उसी के तहत छात्र छात्राओं को कॉलेज परिसर में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।